हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आपकी जो बीएड के फॉर्म्स आए हुए हैं उसके विषय में। आप जानते ही होंगे आपकी ये परीक्षा जो है पहले 30 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। तो अब आपके पास टाइम है और ज्यादा इसकी प्रिपरेशन का। बीएड एग्जाम के पैटर्न की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बीएड एग्जाम में आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है उसमें आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लैंग्वेज के आते हैं, इंग्लिश और हिंदी, आप दोनों में से जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 50 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज यानी कि जीके से आते हैं और 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं। ये है आपका पेपर वन जो कि आपका 2 आवर्स का होता है। दूसरा होता है आपका पेपर टू जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका आपने चूज किया हो उसका होता है। जैसे साइंस वाले जो है साइंस का देंगे, आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स का होगा क्वेश्चंस उसमें, और जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये आपके 50 क्वेश्चंस इसमें होंगे और ये पेपर आपका 1 घंटे का होता है। अब देखिए जो आपका पेपर वन है उसमें जो आपको प्रिपरेशन करनी होती है, पहला तो आपका लैंग्वेज हुआ, वो अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका जो जीके होता है, ठीक है, जीके जीके जिसमें आपका पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड जो आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, प्लस इसमें आपकी रीजनिंग भी आती है। अब पिछले साल के पेपर की बात करूंगी तो उसमें कंप्लीट उन्होंने उसमें सारी की सारी रीजनिंग दे दी थी। पेपर भी डिस्कस होगा आपका इस चैनल पे, वो मैं पेपर डिस्कस करूंगी तो आपको पता चलेगा सारे के सारे रीजनिंग क्वेश्चंस दिए थे। लेकिन जरूरी नहीं है इस बार भी ऐसा हो, आप जीके की भी तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो सिलेबस होता है वो बहुत वाइड होता है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। फिर आता है आपका 50 मार्क्स का जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत ही स्कोरिंग कहूंगी मैं इसको, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे लैक करते हैं, किस वजह से, क्योंकि ये चीज आपके लिए नई होती है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कि आपके अंदर शिक्षण अभिवृत्ति, क्या आप पढ़ा सकते हैं नहीं, उसको चेक किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर काफी सारे टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं जो आपने पहले कभी सुने नहीं होते। मैं जब बच्चों की क्लासेस लेती हूँ तो कई बार जो है वो मुझसे पूछते हैं कि अधिगम क्या है, ठीक है, और अधिगम क्या होता है, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना, ठीक है। तो ये टेक्निकल वर्ड आ गया तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, अदरवाइज पेपर जो है बहुत ही ईजी आता है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जीके से ज्यादा स्कोरिंग है क्योंकि जीके और रीजनिंग में कई बच्चे जो है अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते क्योंकि कोर्स वाइड होता है। रीजनिंग में कई लोगों की जो मैथमेटिकल स्किल्स होते हैं वो कम होते हैं, तभी भी वो स्कोरिंग नहीं हो पाता। बट टीचिंग एप्टीट्यूड मैं आपको बताऊं, एक ऐसा आपका यहाँ पे सेक्शन है जिसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप कुछ 20-25 टॉपिक्स होते हैं, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो आपके 2 या 3 पेज के नोट्स पे खत्म हो जा रहे हैं, बस इतने टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिए ना, आप इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड या पैडागॉजी ही पढ़ाती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि ये वाला जो आपका सेक्शन है काफी स्कोरिंग रहता है। बस आपको क्या पता होनी चाहिए, टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए। अब अगर आप ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो कोर्स है लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप से ले सकते हैं। इसमें क्योंकि आपका बीएड का जो एग्जाम है हालांकि स्थगित हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी डेट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पीछे जाएगी, तो आपके लिए हमारे पास बिल्कुल क्रिस्प स्पेसिफाइड नोट्स बने हुए हैं। और वो बीएड के नोट्स, वो 20-25 टॉपिक्स जो है आपके, अगर आप वो कवर कर लेते हैं आप इसमें बहुत ही अच्छा 40+ आप इस पे स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ लिया 45+ भी आप स्कोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ समझने वाली चीजें, ठीक है, ऐसी भी कोई चीज नहीं है कि फैक्चुअली आपको बहुत सारी चीजें याद करनी है। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर एक स्किल है, जो पढ़ पढ़ के भी आपके अंदर समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा करने के लिए आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो हमारा ये कोर्स जो हमने बनाया है इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, इसमें आपको टोटल पीडीएस मिल रही हैं, कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वो इसमें कवर किया गया है, जो हो सकता है आपको बुक्स में भी ना मिले। बुक्स की भी एक बार अगर मैं बात कर लूं तो इस समय जो अवेलेबल बुक्स हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के उत्तराखंड बीएड एग्जाम के लिए आपका आ रहा है, उपकार की बुक है, अरिहंत की बुक है। लेकिन जब आप ये कंप्लीट बुक लेते हैं ना, इसमें जब इतनी सी बुक में जब बहुत सारी चीजें आपका जीके रीजनिंग सब कुछ आ रहा है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें जो है हल्के में ली हुई थी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बिल्कुल भी काम की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा और डीपर डिग करना पड़ता है। जो अच्छी तैयारी कर रहे होंगे ना, वो बीएड के लिए लूसेंट अलग से पढ़ रहे होंगे, रीजनिंग के लिए वो अच्छे से क्वेश्चन की बुक अलग से लेकर बैठे होंगे, ठीक है, और ऑप्शनल के लिए अलग तैयारी कर रहे होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अलग से तैयारी कर रहे होंगे, लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अगर आपको स्कोर करना है अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको उस पॉइंट पे आपको हिट करना पड़ेगा कि कहां से मैं अपना स्कोर बेटर कर सकता हूं। हम और चीजें भी आपके लिए लेकर आएंगे, बट टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में आपको कहूंगी कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते
चाहते हैं आप हमारा ये कोर्स ले सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है इसीलिए हमने इस कोर्स की फी बहुत कम रखी है, ओनली 99 रुपीज में आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही हम आपको दे रहे हैं इन 99 रुपीज के नोट्स के साथ मॉक टेस्ट फ्री, ठीक है। तो इसमें आपके मॉक टेस्ट जो होंगे वो एडेड होंगे, लगभग आपके 10 मॉक टेस्ट जो हैं वो हम इसमें रखेंगे और वो आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमसे और कुछ जानकारी चाहते हैं, आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज, आप बता सकते हैं कि आप और क्या इसमें देखना चाहेंगे। और अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, आपको बस हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप बस जाकर गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर आप हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड नोट्स का ये कोर्स देख सकते हैं। अगर आपको और किसी मदद की जरूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिखकर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मेघा जायसवाल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।